जाएंगे, 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 अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इसे पकड़ के ले जाएंगे आप लोग, ले जान दो, ले जान दो, हमें भी ले जाओ पकड़ के। झूठ बोलते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसे झूठ बोलते बोलते हैं। 5 साल हो गए धरना देते देते हमें रोक रहे हैं, शर्म नहीं है? फिर पिटे ना हम पे, पुलिस वालों पे हाथ उठाएंगे आप और क्या। जब पुलिस वाले हम पे उठाएंगे तो हमारे ससुरे लगे तो वे क्यों हाथ उठा रहे हैं? उनका मतलब क्या है उठाने का? हमारे सबरे जवाब जेल में बंद कर रखे हैं और हिस्सा देने को तैयार नहीं है। हम वोट नहीं देंगे, पहले हमारा हक दबाओ, जब हम पीछे वोट देंगे। बस के सामने ये लोग बैठ गए और कहा है कि हम अपना हक लेके जाएंगे। जो बस वाला है वो बस चलाने को हो रहा है, लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं है क्योंकि इन लोगों को अपना हक लेके जाना है। नमस्कार, मैं नूरझा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 16 में और लगातार यहाँ पे जो है दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस की बैरिगेटिंग हो चुकी है, किसान एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। तमाम यहाँ में आपको लोग दिखा दे, भारी जनसंख्या में किसान यहाँ पे मौजूद है और पुलिस की बैरिगेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे तमाम बसेस वाले भी खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मौजूद है। सर, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे सबरे जवाब जेल में बंद कर रखे हैं और हिस्सा देने को तैयार नहीं है। हाँ। और हमारे नेता ने सबरे ले जा रहे थाने को। हाँ। हाँ। हमारा तो हिस्सा तो दे। सबरे तो हमारा जायदाद ले ली तुमने हमारी। हाँ। रोइए मत, अब सबर रखिए ना, सरकार सुनेगी आप लोगों की। क्या घोटा सुन रही है? 5 साल का बैठते बैठते हो गए। आप लोग ऐसे जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको दिल्ली जाने नहीं देंगे। तो बस हम तो दिल्ली जाएंगे, कुछ तो हिसाब तो करो हमारा। हाँ। आप लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, ले जा रहे हम तो जाने को भी तैयार है, जेल जाने को सबको ले चलो। शांतिपूर्वक। हाँ बोलिए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो बूढ़ी सी अम्मा है उनके पैर तक भी, और देखिए किस तरीके से इनको जाने नहीं दे रही, इतनी बूढ़ी सी है। उसके बाद पुलिस ने, पुलिस ने नीचे दाब ली, पुलिस ने करायो, पुलिस ने नीचे दाब ली मैं। और यार पुलिस की ना समझाते हमारे रास्ता की रोक है। जा रहे थे हम, जाने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारी मम्मी है, अब हमारी मम्मी ने अगर यहाँ पे शांति पूर्वक हम धरना दे रहे, ये पुलिस प्रशासन हमसे क्या ले रहा है? पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि किसानों को टॉर्चर कर रहा है, उन प्रतिनिधियों को क्यों टॉर्चर नहीं कर रहे ये लोग? हमारे अन्न उगाते हैं, इनको खिलाते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं। सरकार जैसा बोलेगी पुलिस वही करती है, पुलिस अपना काम करती है। देखिए पुलिस को ये नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ ये अनरीति कर रहे हैं। पुलिस को ऐसा हम तो वे क्यों हाथ उठा रहे हैं? हाँ। उनका मतलब क्या है उठाने का? हाथ नहीं उठाना चाहिए लोगों, उन्हें एक शहर रटना चाहिए। कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी क्या वहाँ पे? ये फुकरी महिला, ये फुकरी ना महिला, क्या महिला को देखना है क्या? हम बना का हाथ उठाना, इनके पास महिला फोर्स है ही नहीं बहन जी, समझ रहे हो? अब इनके पास ये जेंट फोर्स है, अब वो भी टैटवर्क होती है हमारी मातृशक्ति के, बताइए आप, ये अच्छी बात है इन लोगों की? देखिए किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे बर्बरता करी है, यहाँ पे किस तरीके से मारा गया है। यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी है, उसके बाद भी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है, पुरुष कर्मी किस तरीके से यहाँ पे मारा गया है, बूढ़ी महिला को किस तरीके से, देखिए साथ का साथ दे रही है, कुछ भी साथ नहीं दे रही है हमारा। हमारी जमीन ले रही है, हम पे हावी हो रही है ये। तो सरकार बोल तो रही है कि 2014 के बाद जो हमने काम करे किसानों के लिए, किसी सरकार ने नहीं करा है। बहुत दिन हो गए ऐसा झूठ बोलते बोलते है। बहुत दिन हो गए इनको। नहीं बताओ ऐसे जाने पाले में अपने बालकों को छोड़ने पड़े हम। हमारे का काम नहीं है, जमीन तो सरकार ले ली। फिर से एक बार आप आंदोलन कर रहे, इस बार भी रोका जा रहा है आप लोगों को? तेरी सरकार ने ले ली, इसने आग लगा ली। आंदोलन ही करते रहेंगे हम बैठ के, यहाँ कितने साल तो बैठे हैं हम। हाँ। कोई पता है? हम ना देंगे वोट किसी की, हम वोट नहीं देंगे। हम तो मोदी जी यूं ही बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ। वो कह रहे हैं इस बार हम ही आएंगे, हम नहीं देंगे, हम देंगे, हमारा हक दबाओ ना हमारा। तो आप उनको वोट दीजिए, जिताइए आपका हक दिलवा देंगे वो। नहीं तो पहले हम देंगे ना, पहले हमारा हक दबाओ, जब हम पीछे वोट देंगे। आप लोगों को तो जाने तक नहीं दे रहे, रोक रहे, यहीं से उठा ले जाएंगे आप लोगों को, चले जाएंगे। कौन उठा के लेके जाके? सही तैयार जाने को जा रहे हैं हम, तो बैठा सब ने खबर ये वहाँ ले जा रहे हैं। हमारे बाले भूखे मर रहे हैं, जेल में तो मरेंगे, हमारे
पाँच साल हो गए धरना देते देते हमें रोक रहे हैं, शर्म नहीं है? इतने सालों से ये लोग धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं सब यहीं पे आंदोलन करते करते बैठ गई हैं और उनको दिल्ली तक संसद के घेराव तक के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। यहीं पे सब यहाँ पे सारे किसान यहाँ पे मौजूद है। सरकार किस तरीके की बर्बरता दिखा रही है कि खाने तक के पैसे नहीं है इन लोगों के पास। सरकार किस तरीके से इनमें बर्बरता दिखा रही है, प्रदर्शन करने तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए तमाम यहाँ पे किसान सब बैठ चुके हैं, पूरा जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो बंद कर दिया गया, जाने तक नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। और यहीं से मैं क्या देखो यहाँ पे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मी इधर कितने ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पे कितने ज्यादा हो चुके हैं। डिटेन करने की लगातार तैयारियां चल रही है, लेकिन किसान जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जो हमारा हक है वो लेके जाएंगे चाहे सरकार कितना भी कुछ कर ले। और अगर सरकार अगर हक नहीं दिलवाएगी तो हम सीधे तौर पर जो है वोट ही नहीं देंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार जो है वो कह रही है कि इस बार दोबारा सत्ता में हम ही आएंगे। हम आपको सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पे रोका जा रहा है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा। क्या हुआ मैम, क्यों बैठा रखा है हमारे गैल के, क्यों पकड़ रहे हैं हमें, कुछ कह रहे हैं इनसे? हम अपने हक मांग रहे हैं। आपको ये लोग दिल्ली नहीं जाने देंगे, नहीं देंगे, दे हमारे हाथ में छोड़ो, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, इसे पकड़ के ले जाएंगे आप लोग। हां ले जान दो, ले जान दो, हमें भी ले जाओ पकड़ के, हमें भी ले जाओ। आपको पकड़ के ले गए कहीं और छोड़ेंगे जाके, ले जान दो, ले जाना फिर ये पिटेना हम पे, पुलिस वालों पे हाथ उठाएंगे आप और का, तो पुलिस वाले हम पे उठाएंगे तो हमारे ससुरे लगे हैं हमें मारेंगे। पुलिस वाले अपना काम कर रहे, जो सरकार कहती है वो पुलिस वाले कर रहे हैं। तो क्यों सरकार आई, तू भी आई, सरकार भी आई, तो काहे को आई है? किस तरीके से देखा जा सकता है कि साफ तौर पर इन लोगों ने कह दिया है कि जो सरकार हमारी सुन नहीं रही है, अगर पुलिस वाले अगर हमें मारेंगे तो हम उन्हें मारेंगे। हमारा काम करना, तो तुम अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम पर रोक लगाने जा रहे हो, हमारे काम पर रोक क्यों लगा रहे हो? हमको किसी से लड़ रहे हैं, कोई नाजायज कर रहे हैं, अपना हक तो ले रहे हैं। यहाँ पे सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पे जो बस है, यहाँ पे बस के सामने बैठ गए, बस चलने को हो गई, लेकिन ये बस के सामने से हटने को तैयार नहीं हो रहे और कह रहे हैं कि हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि सालों से ये लोग धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा हक मार रहे हैं ये लोग, और जो सरकार है वो एक तरीके से सुनने को ही तैयार नहीं। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होते ही दिख रही है कि प्रदर्शन करने तक पे रोक लगाई जा रही है। ये लोग शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद के घेराव के लिए जाना चाहते हैं, उसके बाद भी पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही है। सीधे तौर पर यहाँ पे बस के सामने ये लोग बैठ गए और कहा है कि हम अपना हक लेके जाएंगे। जो बस वाला है वो बस चलाने को हो रहा है, लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपना हक लेके जाना है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले हमें मारेंगे तो हम उल्टा मारेंगे, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। सीधे तौर पर हम यहाँ पे जो तस्वीरें आपको देख सकते हैं, जितने भी किसान हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जो कह रहे हैं कि जो हम इतने सालों से धरना दे रहे थे, उसके बाद दोबारा ये लोग आ गए हैं यहाँ पे धरना देने के लिए। और कहा जा रहा है कि सरकार जो है हमारी सुनती नहीं है तो हमें ये धरना करना पड़ रहा है। जो सरकार जो है कहती है कि 2014 के बाद जो है हमने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करा है, और यहाँ पे आप हालत देख लीजिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है किसानों के लिए जो मोदी सरकार है उसने कुछ नहीं किया। किसान खुद सड़कों पर उतर आए हैं, जहाँ इनको खेती करना चाहिए, अपने बच्चे बाल बच्चे संभालने चाहिए। महिला यहाँ पे खुद यहाँ पे मौजूद है और कह रही है कि हमें जहाँ बाल बच्चे संभालने चाहिए वहाँ पे हम यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है डिटेन करने की भी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम इनको जो पुलिस वाले हैं वो नहीं जाने देंगे, पूरी तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है, इन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। पर जो किसान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। किस तरीके से महिला जो है वहाँ पे वो बोल रही है कि हमें जाने दीजिए, लेकिन नहीं मान रहे हैं उनकी। मैम क्या हुआ है, क्यों जाने नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा हक हमें दिवा दो, नहीं ना जाने दे रहे हमें, हमारे प्लॉट नहीं मिले, ना जमीन दे रहे, ना कुछ दे रहे हैं। हम अपने हक ले रहे हैं, जमीन हमारी ले ली, हमारे बच्चे की ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, डोले हैं बच्चे नहीं हुई लोकल और बता दें तो बच्चे जाएंगे कहाँ? जमीन तो इन्हों ले ली बेईमानों ने, ये तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आप वादा करके 10% देंगे और 5% देंगे, का ये दे दिया का ये ना दिया, कोई लटका डोले नहीं हुई, तो सब कुछ ये ना चाहिए, तो उसकी लड़ाई है और क्या है। कितने लोग यहाँ पे आए, कितने किसान यहाँ पे, नोएडा में 150 गांव है, कितने लोग यहाँ पे मौजूद है? देख रहा है, लोग ही लोग है, कम से कम हजारियों, कई हजारियों आदमी है, सब कई हजार आदमी है, किसान ही है सब। तो अगर आप लोगों को जाने नहीं दे, क्योंकि बैरिगेटिंग पहले से ही हो चुकी है, लग नहीं रहा है आप लोगों को जाने देंगे?
हम तो जान देंगे, हम तो घेर रहे हैं ये, हम तो जाने को तैयार हैं। हम बैठे हैं, हमें हो गए 5 साल धरना देते देते, इनके कानून में जू नहीं चल रही कतई भी। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे जो है डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो किसान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है, उसको कह रहे हैं हम अपना हक लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है किसान खड़े हैं, यहाँ पे उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है। सीधा उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ दिल्ली जाना है और संसद का घेराव करना है, लेकिन पहले से ही बैरिगेटिंग कर दी गई है और कहा गया है कि जो हम जो किसान जो है वो कह रहे हैं कि जो हम 5 साल से जो धरने पे बैठे हुए हैं उसके बाद भी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। प्लॉट तक ले ली गई है, जमीन तक ले ली गई है, और कह रहे हैं कि जो सरकार जो है अगर वो नहीं सुनेगी तो हम दिल्ली जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाई है कि बैरिगेटिंग कर दी गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, बस वगैरह सब आ चुके हैं। अगर इन्होंने ज्यादा चीजें करी है तो उनको डिटेन करके ले जाया जाएगा। बाकी अब देखना है ये सरकार इनकी सुनती है कि नहीं। बाकी जो पूरा मामला है इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।